एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी आ रहा हूँ यूएई 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक मेरा क्याम होगा शारजा और दुबई में। एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। आप अपने हवाले से इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कुछ भी जानना चाहें, क्या होगा आपका करियर, फ्यूचर, प्यार, मोहब्बत, शादी, फाइनेंस, औलाद का सुख और आने वाली ज़िंदगी के हालात, क्या होगा लकी नंबर, लकी डे, लकी जेमस्टोन और पामिस्टी की रोशनी में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं आ रहा हूँ कराची 26 जून से लेकर 30 जून, मेरा क्याम होगा होटल रीजन प्लाजा एंड कन्वेंशन सेंटर शारा फैसल। क्या होगा आपका करियर, फ्यूचर, प्यार, मोहब्बत, शादी, फाइनेंस, औलाद का सुख और आने वाली ज़िंदगी के हालात, क्या होगा लकी नंबर, लकी डे, जेमस्टोन और पामिस्ट्री की रोशनी में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी AQTV से आज का दिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साल 2022 की जिंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और नवा माह का शुमार माहनामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दिन तमाम जॉडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। June 2022 बुर्ज हमल एरीस, अखराजात में इजाफा आपके लिए भी परेशानी का बायस है। अभी 2-3 दिन से ये कैफियत बरकरार है और आज भी ये कैफियत बरकरार रहेगी, लेकिन दिन के अख्ताम तक आप इन तमाम खराबियों पर काबू पाते हुए दिखाई देते हैं। कोशिश करें कि आज लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। अगर कोई आपसे नाराज़ हो रहा है तो अगर आप माफ़ी मांग लें तो मेरा ख्याल इसमें कोई मज़ायका नहीं है, आपका ताल्लुक बच सकता है। धोखादही का अंदेशा है, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, आज बिन बुलाए मेहमान आपके घर आ सकते हैं और किसी दूसरे शख्स की वजह से आपके घर में लड़ाई का अंदेशा भी पाया जाता है। बुर्ज सौ टॉरस की अगर बात की जाए तो आज कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। आज कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, मतवक्को है कि आज सफ़र रहे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज किसी भी सूरत दूसरों पर एतबार करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, समझ लें कि जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपका कितना करीबी है। नए लोग, अनजान लोग आपको नुकसान दे सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जमनाए, रिस्क रोज़गार के हसूल के लिए की गई कोशिश आज रंग ला सकती है। फाइनेंशियली एतबार से अच्छा दिन रहेगा। आज का दिन कारोबार में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे सकती है। आज अधूरे काम मुकम्मल होंगे, आज जिम्मेदारी का एहसास करते हुए दूसरों की मदद भी करेंगे। अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा समझकर अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज दोस्तों से मुलाकात भी मतवक्को है और पुराने दोस्त बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, मतवक्को है कि आज बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करें। नींद आज आपकी पुरसकून रहेगी, वालिद की कुर्बत रहेगी, वालिद के साथ मिलकर कुछ करने का मौका मिलेगा। किस्मत आज आपका साथ दे रही है, हर काम में तसलसल रहेगा। रूहानियत के शौक़ में इजाफा, एक्सरसाइज, वर्जिश का आगाज़ कर सकते हैं। आज दूसरों से अपना इल्म, अपना नॉलेज और अपने तजर्बात को शेयर करने का मौका भी मिलेगा, जिसकी वजह से दूसरे आपकी तारीफ किए बगैर ना रहेंगे। बुर्ज असद लियो, नाउमीदी, मायूसी बरकरार है। कामों में तसलसल ना होने की वजह से डिप्रेशन की कैफियत बढ़ेगी। नौकरी पेशा अफराद के दबाव में इजाफा रहेगा। ससुराल से मुलाकात मतवक्को है। विरासती मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। दौरान सफ़र मोहतात रहें, अजनबी अफराद से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज सुमला वर्गो, शरीक हयात का साथ रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चल सकती है। आज दोस्त आपके घर तशरीफ़ ला सकते हैं, कहीं से पैसे आने की उम्मीद की जा सकती है। ख़रीदारी के मामलों पर तवज्जो रहेगी। मद मुकाबिल अफराद आज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज कोई एक देरीना ख्वाहिश किसी दूसरे शख्स की वजह से पूरी होने की उम्मीद भी की जा सकती है। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, नौकरी के हसूल के लिए की गई कोशिश रंग ला सकती है। कानूनी मामलात में पेचीदगियाँ ख़त्म होंगी, मायूसी ख़त्म होगी। आज अगर किसी से कर्ज़ लिया है, कर्ज़ उतारने के लिए अच्छा दिन है। कोई चीज़ आपकी गुम गई थी, उसका वापस मिल जाना आपके चेहरे पर खुशी लेकर आ सकता है। आज सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगी दिन के अख्ताम तक और मायूसी के बादल ख़त्म होंगे। अगर किसी मुलाजिम की तलाश है तो वो तलाश आज ख़त्म भी हो सकती है। आपके साथ चलने वाले अफराद, लगेगा आपको यूँ कि शायद आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं।
और चक्र स्कॉर्पियो बच्चों का साथ रहेगा, मुस्तकबिल के हवाले से उनके मुस्बत फैसले करने का मौका मिलेगा, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी, रूहानियत के शौक़ में इजाफा, इल्मी काबिलियत में इजाफा, रूहानी महफिल में शिरकत करने का मौका मिलेगा, रूहानी जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, किसी अहम फ़र्ज या शख्स से मुलाकात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी लेने वाले अफराद के लिए आज फ़ायदे का दिन हो सकता है, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। बुर्ज कौस सजिटेरियस की अगर बात की जाए तो आज घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा रहेगा, घर की तीजीन और आयश मरम्मती काम दिलचस्पी इख्तियार करेंगे, आज आपके घर मेहमान आ सकते हैं, आज बहुत से ऐसे पेंडिंग अमूर जो आपकी मसरूफियत की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके थे वो मुकम्मल होंगे, किसी से मुलाकात हो, किसी से दिल की बात करनी हो, किसी नाराज़ को मनाना हो, विरासती मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं, आज किसी बड़े बुजुर्ग को डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मतवक्को है अंदरून मुल्क सफ़र है, आज मसरूफियत आपकी बेपनाह रहेगी जिसकी वजह से अपनी ज़ात शख्सियत के ऊपर वक्त निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, शराकतदारों के साथ कुछ अहम मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं, पैसे आने की उम्मीद भी आज की जा सकती है, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा, आज घर से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारते हुए दिखाई देते हैं। बुर्ज दल वेक्यूरियस फाइनेंशियली एतबार से एक अच्छा दिन रहेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात गपशप रहेगी, पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे, आज मरघन गज़ाओं का इस्तेमाल भी हो सकता है, बुज़ुर्गों की मशावरत, वालिद किसी वजह से बीमार थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आती है, बल्कि उनके ऊपर तवज्जो देते हुए भी दिखाई देते हैं। आज रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है और हो सकता है कि आज किसी से कर्ज़ लेना हो उसमें आसानी रहे, लेकिन इस चीज़ से जितना हो सके बचें। बुर्ज हूद पाइसिस शख्सियत में निखार के साथ किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित रहेगी, आज किसी से कोई ऐसी फेवर फ़ायदा मिल सकता है जो किसी इनाम से कम ना हो, आज तोहफे तहाइफ समेटते हुए भी दिखाई देते हैं, कुदरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, सैर व तफरी का प्लान बन सकता है, दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से राबते को बहाल करेंगे, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा, शरीक हयात का साथ रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।